जल्द से जल्द पैसा कमाने के लिए आजकल विदेशों में कई लोगों के बीच एडल्ट कंटेंट बनाने का पागलपन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। कम उम्र से लेकर ज्यादा उम्र वाले लोग हर कोई एडल्ट साइट्स पर अपने न्यूड वीडियोस और तस्वीरें डालकर लाखों रुपए कमा रहा है। पैसा कमाने का ये तरीका भले जितना ही आसान क्यों ना लगे, इस लाइन में भी लोगों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला ने बताया कि कैसे उसे कुछ दिन पहले पता चला कि उसका पिता ही उसका अनजान फैन है। जी हाँ, दरअसल कार्ला नाम की इस महिला का एडल्ट सब्सक्रिप्शन साइट ओनली फैंस पर अकाउंट है। इस साइट पर कार्ला एडल्ट कंटेंट डालकर बेचती है और ज्यादा पैसों के लिए अपने फैंस के साथ पर्सनल सेशन भी करती है, जिसमें वो उनके सामने लाइव परफॉर्म करती है। कार्ला ने एक टिकटॉक वीडियो के जरिए इस बात का खुलासा किया कि उसे अपने एक फैन की सच्चाई के बारे में पता चला है, जिसके बाद उसके होश उड़ गए। कार्ला ने बताया कि कैसे एक दिन उसे एक फैन ने कॉन्टैक्ट किया और उसे 11,000 रुपए देकर अश्लील परफॉर्मेंस करने को कहा। कार्ला इस शख्स की आवाज तो नहीं पहचान पाई, लेकिन पीछे से आती हुई अपनी माँ की आवाज उसने तुरंत पहचान ली। लड़की की माँ फोन पर किसी से बात कर रही थी। इसके बाद कार्ला के होश उड़ गए और उसे समझ आ गया कि ये अनजान फैन और कोई नहीं बल्कि उसका पिता है। कार्ला ने इस बात पर जानकारी देते हुए बताया कि कैसे एक अनजान फैन जिसका नाम एनरिक है, उसे अजीबोगरीब चीजें करने के लिए कहता था और पैसे भी भेजता था। फिर एक दिन ऐसी ही चीजों के लिए रिक्वेस्ट करता हुआ एक दूसरे अकाउंट से उसे किसी ने कॉन्टैक्ट किया। लेकिन जब कार्ला ने पीछे से अपनी माँ की आवाज सुनी तो वो समझ गई कि उसका पिता दो अकाउंट्स चलाता है और वो करीब एक साल से अपनी ही बेटी की न्यूड फोटोज और वीडियोस देख रहा है। जब कार्ला ने अपने पिता से इस बारे में पूछा तो उसने मानने से साफ इनकार कर दिया कि वो ऐसी किसी साइट को यूज भी करता है। काफी लोगों ने कार्ला का साइड लिया और उसके पिता की आलोचना करते हुए कहा कि कार्ला को ऐसे शख्स से अपना रिश्ता तोड़ देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम तक।